यूपी के पीलीभीत जिले से वायरल हुए एक वीडियो ने सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है, जिसके चलते विपक्षी पार्टियों ने मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स हाल ही में बिछाई जा रही सड़क निर्माण की क्वालिटी की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। निर्माण क्वालिटी इतनी घटिया है कि सड़क हाथों से ही उखड़ रही है। देखो कितना माल पड़ा हुआ है भाई, इतना अच्छा बनाया। ये है कारनामे ठेकेदार के। दरअसल जनपद के पूरनपुर से भगवंतापुर गांव के बीच प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 3,80,00,000 रुपए की लागत से सड़क निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री और सड़क बनाने का तरीका काफी घटिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ठेकेदार ने धूल पर ही गिट्टी मिला डामर बिछा दिया है, जो आसानी से राहगीर अपने हाथों से उखाड़ता हुआ नजर आ रहा है और बता रहा है कि कैसे ठेकेदार सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहा है। वहीं इस पर विपक्षी पार्टी सपा ने मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि खुद को विकास का डबल इंजन बताने वाली भाजपा सरकार में सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पीलीभीत के भगवंतापुर में 3,80,00,000 रुपए की लागत से बनी सड़क हाथ लगाते ही उखड़ गई है और घटिया निर्माण सामग्री के कारण 7 किलोमीटर की सड़क बर्बाद हो गई है। इसी के साथ इस निर्माण की जांच एवं कार्रवाई की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया, डीटी।